तो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद वीडियो लोड हो रही है क्योंकि अब समय भी नहीं रहता है। पहले की तरह समय नहीं रहता है और वीडियो पर व्यू भी तो नहीं आते हैं, लोग एजुकेशन चैनल कहाँ देखते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने करियर में उफान चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, घर बैठे ही नौकरी मिल जाए तो और बढ़िया है, कम मेहनत में। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आजकल नौकरियों की जो पोस्ट है बहुत कम निकल रही है, और जो निकल भी रही है उसमें मारा मार ज्यादा है, यानी ट्रैफिक बोले ज्यादा है, बोले मोटी भाषा में तो कंपटीशन ज्यादा है। कुल हालत में भैया नौकरी पानी है, पैसा कमाना है, क्योंकि घर द्वार उसी से चलेगा। इसलिए अगर आप घर बैठे कुछ काम कर कर अर्निंग कर लेते तो बहुत बढ़िया रह करता है। कुछ क्या, अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो आप भले ही कुछ पढ़े हो या कुछ भी किए हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कम से कम आप इनोवेटिव तो रहिए ही, खास करके उनको। अब वो पुराने पैटर्न वाली पढ़ाई 2 या 2, 2 या 4 इस तरह की पढ़ाई जो है बेसिक लेवल पर ठीक है, लेकिन उसी में आप बीटेक सीटेक मत कराइए। आने वाला समय कंप्यूटर का है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। पहले क्या था कि उन लोगों ने ऑफिस वगैरह को रिप्लेस किया, ऑफिस के कागज पत्तल के काम को कंप्यूटर से रिप्लेस किया, लेकिन अब दिन पर दिन सारी चीजें रिप्लेस हो रही हैं। यहाँ के बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम से लेकर सब चीज अब तो घर बैठे ही सारा चीज हो जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, मैं जैसे कि एजुकेशन में जैसे बीएड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत अर्निंग के लाइन में आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन काम जरूर करिए। बहुत ज़्यादा काम है, यकीन मानिए, मैं खुद करता हूँ पर्सनली, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपको वेबसाइट वगैरह ये सब नहीं बनाना आता है तो आप etsy.com इस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अरे क्या कहते हैं, अपना मतलब प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी का हुआ, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया और फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर जाकर सेल कर सकते हैं। अमेरिकन साइट है और ये रैंकिंग इसकी है ऑल द वर्ल्ड 100 के नीचे है, यानी 55 रैंक ग्लोबल रैंक है और करीब 24 रैंक इसका USA रैंक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद इस पर काम करता हूँ। अगर आप मेरे दूसरे चैनल अर्निंग मनी टिप्स पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जॉब करनी ही है तो भाई ऑफिस में जाएंगे वहाँ पर भी जॉब आपको इसी तरह से करना पड़ता है। एक रूम दे दिया जाता है, लैपटॉप दे दी जाती है, आपका ये सवेरे से शाम तक जॉब, वहाँ पर आप दूसरे की जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपना पर्सनल खुद करें तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप YouTube पर अपना चैनल भी बना लेंगे, 8, 10, 10, 12 या उससे ज़्यादा, अपने घर के लोगों के नाम के अकाउंट पर उनसे भी काम करवाएं, खुद भी करें, चाहे तो टीम भी बना ले, इसमें आप अच्छे खासे लाख रुपए तो कमा ही सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन बाद में हो जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने ई-कॉमर्स बताया, ई-कॉमर्स का बिजनेस अगर आपके पास डोमेन हॉस्टिंग या शॉपिफाई पर लेने की औकात नहीं है, औकात मतलब कहने का मतलब ये खराब वर्ड है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है शुरू में एज ए बिगनर, तो आप उस पोजीशन में नहीं है भाई, गरीबी अपने देश में है मैं मानता हूँ, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं जाकर। आपको खाली बस जितना प्रोडक्ट डालेंगे, जैसे 10 मान लीजिए 50 प्रोडक्ट आपने डाला तो हर प्रोडक्ट का 0.20 डॉलर यानी 15-16 रुपए देना पड़ता है। तो इस तरह से आप 10 डॉलर में बहुत अच्छे, 10 डॉलर में करीब 50 प्रोडक्ट डाल देंगे और उसमें मनचाही प्राइस आप रख सकते हैं जो मन करे वो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर आप बढ़िया तैयार कर सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा इट्सी को। अगर उससे मतलब चाहते हैं कि और ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं, वैसे तो इट्सी पर फीचर मिल जाएगा, जैसे ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शॉपिफाई पर खोल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ करिए। तो अर्निंग से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आपको अगर होम जॉब चाहिए
घर बैठे जॉब चाहिए, घर बैठे कुछ कमा सकते हैं तो भाई आप करिए। कम से कम यार कुछ नहीं करो तो यूट्यूब पर एक चैनल चैनल ही तो बनाना शुरू कर दो, ब्लॉग डालो, ब्लॉग चलते हैं अच्छे खासे चलते हैं। अब ब्लॉग में अपने घर का पूरा लिखा जोखा ही मत दिखाने लगना, घर का प्राइवेसी वाली चीजें नहीं दिखाते हैं, समझा करो, घर के लोगों को नहीं दिखाते हैं कि भाई ये हमारे फलाने हैं तो ठिकाने हैं। भाई ब्लॉग में तुम यहाँ वहाँ जाओ, टूर मारो, गांव देहात घूमो, वो सब दिखाओ, घर के लोगों को नहीं दिखाओ। पर्सनली जो मेरा थिंकिंग है, बाकी आप लोग की मर्जी, क्योंकि तो प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सारी चीजें दिखाना ये सब सही नहीं है। और मेरे अनुसार यार ये सब डांसिंग वंसिंग वाला काम मत किया करो, मेरे अनुसार ये सब सही चीज नहीं है। डांसिंग में क्या होता है, घर के आप अपनी इज्जत मर्यादा सब कुछ आप दुनिया के सामने पेश करते हैं, उससे पैसे कमाइए, सब सही नहीं है। नित डांसिंग खराब चीज नहीं है, लेकिन इसी को जो अपना जीविका बना लेता है उसको हमारे धर्म शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप अब देखिए, चाहे आप मोबाइल के सामने रिकॉर्ड कर कर दुनिया को दिखाइए या सीधे सीधे लाइव दिखाइए, देख तो रही है दुनिया ना। तो कहने का मतलब ये बहुत से आप लोग कह सकते हैं कि ये सब ओल्ड माइंड वाली चीजें हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड है, होता अगर है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। सारी पुरानी चीजें खराब नहीं होती है, ये कोई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि भाई पुरानी हो गई तो फेंक दो, है कि नहीं। ये अपने अपने धर्म शास्त्र हैं, ये जितना ही पुराना है उतना ही ज्यादा शानदार भी है, इसका कोई कुछ भी इसके सामने मैच नहीं कर सकता है। तो खैर ये तो बात की बात होगी। तो इस तरह से है, मतलब आप अपने जॉब में आइए और जॉब कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप अपना तैयारी वगैरह छोड़ दीजिए, करते रहिए, लेकिन इस लाइन को ब्लॉक मत करिए। देखिए वॉरेन बफेट ने कहा था कि भाई अगर आप अपने लिए पैसिव इनकम की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो जिंदगी भर आप काम करने को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा ही बोले थे कि भाई पैसे इनकम वो इनकम होते हैं जिससे कि आप सोए रहे, पैसा आता रहे। तो ये सब जो डिजिटल लाइन वाली लाइनें हैं, जैसे कि कंप्यूटर पर बैठ कर काम करना, ये सब एक बार आप काम करके छोड़ दीजिए, पैसा आता रहता है। या खुद नहीं करना चाहते हैं, काम करने की जानकारी हो गई है, किसी घर के लोगों को थमा दीजिए या कोई काम करने वाला रख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो आप काम करिए, जॉब करिए, बीएड करिए, एमबीबीएस करिए, बीटेक करिए, आईएएस की तैयारी कीजिए, जो मन करे करिए, लेकिन खाली वही करना है, उसी पर फुली डिपेंडेंट हो जाना है। वो चीजें ब्लॉक हो जाएंगी तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या रहेगा, पछतावा या घर में लड़ाई झगड़ा। ज्यादातर लोग फेलियर हो जाने पर, जब चारों तरफ से प्रेशर आता है, तो वो अपना दोष दूसरे पर मढ़ने लगते हैं। जो नहीं मर पाते हैं वो इधर उधर घर से भाग जाते हैं और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को पेचीदा सिचुएशन में न डालें, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। आप केवल प्रयास कर सकते हैं, चीजों को मिलना न मिलना आपके बस में नहीं रहता है, ये साक्षात गीता में भी लिख दिया गया है। तो यानी हमारे धर्म शास्त्र में भी लिखा है, धर्म के साथ चलिए, अच्छी चीज है। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए संजय सिंह इंडिया एजुकेशन टीवी। अब मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।